कीजिए भगवान। कृपया आपके स्थिति का प्रमाण हमें दीजिए भगवान। हम आपके दर्शन करने के लिए आतुर है भगवान। तथास्तु। कल की सुबह हमारी टोली के लिए बड़ा ही विशेष दिन होगा। कल जो भी होगा उसे दिखाने के लिए और उसका लाभ उठाने के लिए तो मैं स्वयं भी आतुर हो गया हूँ। प्रार्थना करते समय निद्रा कब आई पता ही नहीं चला। मुझे लगा कि कल की प्रार्थना से आसपास की वस्तु स्थिति में कुछ बदलाव आएगा, परंतु कुछ विशेष बदलाव दिख तो नहीं रहा। अरे क्या बात है, आज तो हमारी वृंदा सुबह सुबह जग गई। वृंदा कुछ बोलती क्यों नहीं? हमें क्षमा कर दो यशोदा काकी, आज के बाद हम कभी ऐसे नहीं करेंगे। अब समझी, कल जो हुआ उसके बारे में विचार कर रही हो ना? कोई बात नहीं पुत्र, इतना उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी अपेक्षा हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान के पास सदा ही कोई न कोई मार्ग अवश्य होता है। तुम चिंता मत करो, इतनी उदास ना हो वृंदा, सब ठीक हो जाएगा। मैं उदास नहीं हूँ, भला उदास होने जैसा इस जीवन में है क्या? इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ मैं प्रसन्न हूँ माँ, मुझे तो बोध हो रहा है, मानो मैं बड़ी उत्साहित हूँ। उत्साहित? अंततः तुम कहना क्या चाहते हो पुत्र? देखिए ना माँ, ये वातावरण इतना सुंदर लग रहा है, मानो इस वातावरण में एक भिन्न सी सुगंध हो, वो हम सबको उत्साहित कर रही है। यदि ये सब ऐसा नहीं होता, इसका अस्तित्व ही नहीं होता, तुम ना होती तो ये संसार ये जीवन जैसा वीरान हो जाता, और मेरा जीवन तो तुम हो माँ। इस वृंदावन में यशोदा काकी, रोहिणी काकी, नंद काका और मेरी टोली के साथ रहने का अवसर मिला, मैं आनंदित हूँ। मेरा परिवार, मेरा मित्र परिवार, मेरा वृंदावन परिवार कितना अच्छा है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ माँ। ये सुबल को क्या हो गया है, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई ज्ञानी साधु इसके भीतर आकर ये सब कह रहा हो, परंतु अकस्मात वृंदा ये सब। अच्छा अभी आती हूँ। कान्हा, अपनी टोली को इतना प्रसन्न देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। परंतु परंतु क्या दाऊ, जिस प्रकार इन सबकी मैया इस दृश्य का आनंद उठा रही हैं, उसका अनुभव ले रही हैं, वैसे हमारी यशोदा मैया ये अनुभव इसका आनंद ले नहीं पा रही, बस इस बात का दुख है मुझे। बस इतनी सी बात? यशोदा मैया तो प्रतिदिन इस अनुभव का आनंद लेती है। वो कैसे? लंबोदर चलिए दाऊ को इस बात का प्रमाण देते हैं। आप कहो तो इसका प्रमाण दू। हाँ हाँ दू। ठीक है चलो बलराम। रुकिए क्या हुआ कान्हा?
प्रथम आप मैया की दृष्टि से कहीं दूर छुप जाइए। नहीं तो मैया आपको देख लेंगी। ये तो मैं भूल ही गया था कान्हा, अच्छा स्मरण दिया है आपने। लंबोदर को बचाने के लिए मुझे कुछ लीला करनी होगी। आज सुबह से एक भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ, ना मैंने माखन बनाया, ना भोजन के लिए रसोई को सज्ज किया है, और अभी आंगन इतना अस्त-व्यस्त, ये सब समेटना होगा, सफाई भी करनी है, आरंभ करती हूँ। मैया, कान्हा, आजा। अनुभूति है, आज तेरा स्पर्श करके मुझे ऐसा लगा मानो मैंने स्वयं भगवान को स्पर्श कर लिया हो। परंतु सत्य तो ये है कि आपके प्रेम से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं। दाऊ लंबोदर बाहर आ जाए। देखा दाऊ कैसे यशोदा मैया प्रतिदिन इसका अनुभव लेती है। अब आप भी टोली से भिन्न नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं लंबोदर, मुझे इस विषय में कदापि संदेह नहीं होना चाहिए था, पर अब क्या, आगे क्या होगा? आगे कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। चलो प्रथम हम अपनी टोली से मिलने जाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। आज का खेल तो बड़ा ही रोमांचक होने वाला है दाऊ। सत्य कहा कान्हा, हमारी लीला के पश्चात टोली को उनकी अंतरात्मा का अनुभव जो होने वाला है। चले तो आप शीघ्र ही चलते हैं। मेरे अंतर मन में अत्यधिक शांति और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। अरे अरे बच्चों, कहाँ चले? कान्हा के यहाँ। अरे इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे हम हमारे प्रिय मित्र से मिलने जा रहे हैं। अच्छा बच्चों,
हम चलते हैं। आशा करते हैं कि आपका दिन अच्छे से व्यतीत हो। कैसे बच्चे, मैंने इतने प्रेम से प्रश्न पूछा और ये है कि कुछ उत्तर ही नहीं दे रहे। हाँ ठीक कहा, ये तो बड़ा ही असभ्य व्यवहार है। इनके माता पिता से शिकायत करनी होगी। चलो। ये क्या, हमने तो कितने प्रेम से उन्हें उत्तर दिया, इसके पश्चात भी ये ऐसा बोल रहे हैं। छोड़ो इन लोगों को, हम कान्हा के पास चलते हैं।